देखिए, सब लोग जो हैं सड़क पे आ रहे हैं और अपना विरोध विरोध जो है वो रखने का काम कर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र में सब लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या इंडिविजुअल की बात हो। और ये जब गैर संवैधानिक बिल है, जो मानवता के खिलाफ है, जो देश को तोड़ने वाला बिल है, तो आखिर कब तक लोग जो हैं चुप और अपने घरों में बैठे रहेंगे? ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक एक्ट है। और जिस प्रकार से बीजेपी जो है समाज धर्म में बंटवारा करना चाहती है, ये जो है इनका चरित्र जो है सबों के सामने आ गया है। और इसको लेकर के हम लोगों ने 21 तारीख को भी बिहार बंद किया है, और 21 तारीख को हम लोगों ने पार्टी की तरफ से भी दिशा निर्देश देने का काम किया है कि जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं, चाहे स्कूल बस हो, एम्बुलेंस हो या फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां हो, लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, दवा की दुकानें हों। हालांकि हम लोग जो हैं, कोशिश हमारी है कि पीसफुल जो है हम लोग जो हैं प्रोटेस्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं से हम लोगों ने दिल्ली में भी देखा, जब जामिया पे हमला हुआ, किस प्रकार से कुछ आरएसएस के लोग जो हैं वो घुस करके इस आंदोलन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो ये सामने आया है। और देश को जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, अब जरूरी है कि लोगों को रोड पे आना पड़ेगा। नीतीश जी, जिस तरीके से पहले सीएबी का सपोर्ट किया, उनके पार्टी में विरोध हुआ, अब नीतीश जी ने कहा है कि किसी भी हालात में जो माइनॉरिटी है उनके किसी भी अधिकार का हनन नहीं होगा, हम उनके साथ खड़े हैं। कैसे देखते हैं कि इतना कुछ हो जाने के बाद अब 10-15 दिनों के बाद बोल रहे हैं? नहीं, थोड़ी सी भी नीतीश जी में शर्म नहीं रह गई है। आप कह सकते हैं 100 चूहा खा करके बिल्ली चली हज को। कथनी या करनी में इतना अंतर है। कहते कुछ है, पार्लियामेंट में क्या किया इन्होंने, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, इन्होंने पक्ष में वोट डाला बिल के, एक्ट बनवाया इन्होंने। इन्होंने कहा था कि हम 370 पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ट्रिपल तलाक पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एनआरसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कैप पे नहीं करेंगे। आज जो है दुनिया ने देखा नीतीश कुमार जी का जो चोला पहन के रखे थे, ये धर्मनिरपेक्षता का, अब इनका चरित्र उजागर हो गया है। और आप देखिएगा, नीतीश कुमार जी 2012-13 में कहते थे भारत जलाओ पार्टी है, थाली खींच लिया गया था इसी नाम पे। आज नीतीश कुमार जी किसके गोद में बैठे हैं? आरएसएस की गोद में पल रहे हैं, भाजपा की गोद में पल रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम लागू नहीं होने देंगे।